यो व्हाट्सअप गाइस, आई एम योर फ्रेंड जय द लॉर्ड जो, और आज होने वाला है रैपिड रिव्यू सीरीज का एपिसोड नंबर 3। वेल एक्चुअली रैपिड रिव्यू सीरीज क्या है जो लोग आप नहीं जानते, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो, महीने के अंदर बहुत सारी मूवीज आती है, मैं उनको देख के उनको कवर करके उनका रिव्यू डालता हूँ, पर जो बहुत सारी अच्छी मूवी होती है और रिव्यू करना उनका रह जाता है, उन सबका मैं एक कंबाइंड रिव्यू मंथ के एंड में डालता हूँ। तो फिलहाल जून के महीने में आई हुई ऐसी बेहतरीन मूवी या फिर ऐसी खच्चर मूवी जिनका रिव्यू हम सेपरेट वीडियो में नहीं डाल पाए, वेल उन सबका कंबाइंड रिव्यू होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो आप और देरी नहीं करते और जल्दी से करते शुरू, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। तो भाई और बहनों, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एकदम लेटेस्ट में आई हुई मूवी जिसका नाम है लकड़बग्गा। अब एक्चुअली ये वाली मूवी जैन या फेब के टाइम पे रिलीज हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे मैं थिएटर्स में नहीं जा पाया, तो फिर अब इस मूवी का OTT डेब्यू हुआ है और ये मिल जाएगी आपको Zee5 के ऊपर। कहानी इस मूवी की कुछ इस तरह की होने वाली है कि एक हमारा हीरो है जो कि एनिमल लवर होता है और वो अगेंस्ट रहता है एनिमल क्रुएल्टी के। अब एनिमल क्रुएल्टी इस मूवी में किस तरह से दिखाई गई है और किस तरह हमारा हीरो उसको सॉल्व करता है, ये आपको देखने को मिलने वाला है। मूवी वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है, मूवी के अंदर एक्शन बहुत अच्छा है, स्टोरी आपको कहीं ना कहीं एंड में जाके काम खराब हो सकता है, लेकिन यस वन टाइम वॉच है तो इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना अगर आप एनिमल लवर हो या नहीं भी हो तब भी। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक ऐसी मूवी जिसके लिए बहुत सारे लोग एंटीसिपेट थे, भाई अखंड वेट हो रहा था, पर जब ये मूवी आई तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। वेल मूवी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ द बीस्ट। जब इस मूवी का ट्रेलर आता ना तो सब लोग एकदम मस्त एक्साइटेड हो गए थे कि यार फाइनली ट्रांसफॉर्मर्स के साथ कुछ अच्छा होने वाला है, पर इन लोगों ने अच्छा तो नहीं किया बल्कि वही सेम फॉर्मूला लगा दिया जो कि पहले की मूवीज में होता था। देखो, अगर मैं सिंपली स्टोरी बताना चाहूं तो ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो अर्थ के ऊपर रहते हैं, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो अर्थ को ही अपना घर मानते हैं क्योंकि उनका घर जो उनका प्लैनेट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब एक दूसरा प्लैनेट है या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा बड़ा जायंट ट्रांसफॉर्मर है जो कि प्लैनेट्स को खाता है ताकि वो ऑब्वियसली जी पाए। तो वेल अब वो अटैक करने वाला है अर्थ के ऊपर, और क्या हमारे ट्रांसफॉर्मर्स उससे लड़के उसको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये हमें देखने को मिलने वाला है इस मूवी के अंदर। सच बताऊं, अगर आप CGI देखना चाहते हो, अगर आप मस्त वाले एक्शन देखना चाहते हो, तो वेल इस मूवी को देखना डिसअपॉइंट नहीं होगे, लेकिन अगर आप स्टोरी वाइज या फिर ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में कुछ नया होता हुआ देखना चाहते हो तो बहुत भारी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी और फिर आप इस मूवी को अच्छी रेटिंग नहीं दोगे। वेल नेक्स्ट हम ऐसी मूवी के ऊपर आते हैं जिसका कॉन्सेप्ट तो सीसू मूवी की तरह है। वेल सीसू मूवी अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं देखी तो डेफिनेटली देखो, वो बहुत अच्छी मूवी है, पर उसी के जैसा एकदम कॉन्सेप्ट है। नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी आई थी जिसका नाम है ब्लड एंड गोल्ड। बेसिकली टाइम पीरियड सेट होता है World War II के टाइम पे, और World War II के टाइम पे नाजीज की गैंग में से एक सोल्जर समझ जाता है कि भाई नाजीज जो है वो सही लोग नहीं है, और वो उनको छोड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो इकलौता सोल्जर जो अपने नाजीज की टीम को छोड़ के जा चुका है, वो किस तरह से अपना पीछे छुड़वा पाएगा उन नाजी सोल्जर से, और किस तरह इस पूरे ब्लड वाले खेल के अंदर गोल्ड की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये आपको देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से ना यार ये मूवी भी एक टाइम वॉच ही है, मैंने देखी थी, मेरे को ठीक ठीक लगी, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा फील सीसू के जैसा आ रहा था, और फिर जब मैंने इसको सीसू से कंपेयर किया तो मेरे को जमीन आसमान का डिफरेंस लग गया। तो अगर आपको World War II के टाइम पे बेस्ड एक एक्शन वाली मूवी देखनी है तो सीसू देखो, इसको मत देखो, लेकिन अगर आपको कुछ भी चलता है तो वेल इस मूवी को देख लो, वन टाइम वॉच है, आप देखने के बाद डिसअपॉइंटेड तो नहीं होगे, लेकिन कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली तो फिर आपका काम वहां पे खराब हो जाएगा। ओके, तो भाई बहनों, अब एक ऐसी मूवी जो मेरे को तो पसंद नहीं आई लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, वेल मूवी का नाम है द बोगीमैन। बोगीमैन जून महीने के एकदम शुरुआत में आई थी। मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि दो बहनें होती है और उन्होंने अपनी माँ खो दी है, तो वो एक बहुत ही डार्क या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही दर्दनाक मूवमेंट से फिलहाल गुजर रहे हैं। उनको अपने बाप का सपोर्ट भी पूरी तरीके से मिलता नहीं क्योंकि ऑब्वियसली पापा को भी दर्द है उनके दिल में अपनी बीवी के खोने का, लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे इविल स्पिरिट की जिसको इस मूवी में कहा गया है बोगीमैन। वो पूरी मूवी में हमें नहीं दिखाया जाता, पूरी मूवी के अंदर उसका बस टेरर हमें दिखाया जाता है और एंड में जाके उसका रिवील होता है, और जब रिवील होता है तो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगता। देखो यार, मेरे को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत लोग हैं जिनको बोगीमैन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वेल काइंड ऑफ आप इस मूवी को देख सकते हो, देखने के बाद आप खुद ही रेटिंग दो ना कि ये मूवी आपके लिए किस तरह की है। ओके, तो भाई बहनों, अब इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक अच्छे मटेरियल के ऊपर आते हैं जो कि अच्छा होने के साथ साथ थोड़ा एक्साइटिंग भी है।
वेल मूवी का नाम है नो हार्ड फीलिंग्स, और नो हार्ड फीलिंग्स मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा सा है ना जिसको देखते ही आप एक्साइटेड हो जाओगे। यानी कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, यानी कि मान लो पेरेंट होते हैं, वो पेरेंट चाहते हैं कि यार उनका जो बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मोम की गुड़िया जैसा है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, अपने अपने में ही रहता है, लोगों से खास इंटरेक्शन नहीं करता, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और उसके हाई स्कूल जाने का टाइम होने वाला है। तो अगर वो ऐसे टाइम पे इस नेचर के साथ हाई स्कूल जाएगा तो वहाँ पर उसका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ क्या सोचते हैं कि भाई एक लड़की को अपॉइंट किया जाए जो कि हमारे बेटे को डेट करे। अब ये कॉन्सेप्ट जिस तरह का है, जिस तरह का विचित्र सा कॉन्सेप्ट है, उस तरह की विचित्र सी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को भी मिलेगी। मूवी बच्चों के देखने लायक नहीं है, मूवी एडल्ट को ही देखनी चाहिए, और एडल्ट देखोगे ना तो भाई कॉमेडी मूवी है, बहुत मजा आएगा, लेकिन एंड में आपको थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये तो मैंने एडल्ट लोगों के लिए बता दी, तो अब कैसी मूवी जो है तो बच्चों के लिए लेकिन बड़े अगर चाहे तो उसको देख सकते हैं और देख के एंजॉय भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है एलिमेंटल्स। वेल इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि जो हमारे पांच एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट जो है आपस में मिल बांट के रहते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ना एक पर्टिकुलर सिटी में आके बस गए हैं, और किस तरह इनकी लाइफ एक दूसरे से कनेक्ट होती है ये नहीं होती, किस तरह फायर वाटर से नफरत करता है या किस तरह वाटर का नेचर होता है, ये हमें इस मूवी में दिखाया गया है। बहुत बढ़िया मूवी है, एनिमेशन स्टाइल एपिक है, ठीक है, देख के एकदम हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आती है, और बस हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आती, ये मूवी आपको सिखाती भी है कुछ। अगर आप बच्चे हो तो डेफिनेटली इसको जाके देखो, लेकिन अगर आप बड़े हो और गलती से भी ऐसा सोच रहे हो ना कि यार ये तो बच्चों की मूवी है इसको हम देख के क्या करेंगे, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। भाई हर एक एनिमेटेड मूवी बच्चों की नहीं होती, अगर आप एनिमे देखते हो तो आप समझते होगे। इस मूवी को डेफिनेटली देखना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। वेल अब हम बात करते हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जो काइंड ऑफ मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है और इस सीरीज का नाम है ब्लैक मिरर सीजन नंबर 6। बेसिकली ये सीरीज बात करती है ह्यूमन के नेचर की, ह्यूमन का नेचर किस तरह से बदल रहा है, और आने वाली टेक्नोलॉजी किस तरह से ह्यूमन की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने वाली है उसके ऊपर। अगर मैं बात करूं सीजन नंबर 6 की, तो इसमें टोटल हमें 5 स्टोरी दिखाई गई है, जिसके अंदर से जॉन इज ऑफुल मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टोरी लगी, और उसी के साथ साथ मैं एक दो नाम भूल रहा हूँ, लेकिन शायद स्टोरी नंबर 2 और 3 भी मेरे को अच्छी लगी थी, 5 मेरे को कुछ ठीक ठाक नहीं लगी। लेकिन कमेंट करके बताना कि आपकी इन पांचों के पांचों एपिसोड में से सबसे ज्यादा फेवरेट स्टोरी कौन सी थी। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बेस्ट मूवी के बारे में। वेल ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो काइंड ऑफ मूवी तो है ही नहीं, बस एक कन्वर्सेशन है लोगों के बीच, और ये कन्वर्सेशन इतनी एपिक तरीके से दिखाई गई है ना कि आप इस मूवी को जब देखोगे तो भाई शुरू तो आप ऐसे करोगे कि यार चलो कुछ नया देखते हैं, लेकिन इस तरह से ये मूवी आपको एंगेज कर लेगी कि आप छोड़ नहीं पाओगे खत्म करे बिना। 1.5 घंटे की मूवी है, मूवी का नाम है मिसिंग। मिसिंग मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है, वेल एक लड़की होती है और उसकी माँ जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं हम कह सकते हैं हनीमून ट्रिप पे जाती है, और वो हनीमून ट्रिप पे जाने के बाद वहां से हो जाती है मिसिंग। अब ये बात जो है बेटी को पता चलता है, और बेटी किस तरह से अपनी माँ को ढूंढती है नहीं ढूंढती ये हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। लेकिन इस मूवी की खास बात यह है कि भाई जैसे आप नॉर्मल मूवीज देखते हो जिसमें कैरेक्टर्स अपने घर से बाहर निकलता है, पूरी दुनिया घूमता है या फिर अलग अलग जगह जाता है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाएगा हमें इस मूवी के अंदर। लड़की का जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप का जो हम कह सकते हैं वेबकैम है, उस वेबकैम के थ्रू हमें पूरी पूरी मूवी दिखाई जाएगी। उस वेबकैम और साथ ही साथ उसकी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो क्या कुछ सर्च मार रही है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस तरह से आपको मूवी दिखाई जाएगी। और सच बताऊं एपिक मूवी है। वेल यहाँ पर हम करते हैं खत्म हमारे रैपिड रिव्यू सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले किसी मूवी या वेब सीरीज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।